जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं हमारे साथ में डॉक्टर सारिका वर्मा जी हैं जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो गुरुग्राम शहर के अंदर पोल्यूशन तो है ही, इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मौसम बदलने के कारण से लोगों में गले से संबंधित समस्याएं हो गई हैं, तो उनसे बचाव के क्या उपाय है, क्या उपाय करके वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मैम जानना चाहेंगे आपसे। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा ईएनटी सर्जन हूँ, एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ। ये मौसम जो है अभी आजकल हम देख रहे हैं कि गला ख़राब, हर रोज़ इन्फेक्शन के साथ लोग आ रहे हैं, खांसी है जो जा नहीं रही है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें। हमें लगता है कि अभी ठंडा मौसम नहीं है लेकिन दो घंटे आप बाहर रहेंगे तो शाम तक फिर टेम्परेचर बहुत डिप कर जाता है, दिन का वेरिएशन 10-12 डिग्री से ज़्यादा है, सुबह निकलते हैं तो 9 डिग्री या 10 डिग्री होता है और दिन में 25 डिग्री होता है, तो टेम्परेचर का इतना वेरिएशन की वजह से कोल्ड भी ज़्यादा हो रहा है, लोग इन्फेक्शन भी पकड़ रहे हैं। थोड़ा सा ठंडी चीज़ों का परहेज़ करें और अपने आप को कवर्ड रखें, जैकेट स्पेशली बच्चों के लिए जैकेट वैकेट जरूर लेके चलें, गर्दन को कवर रखें और कोई भी गलत चीज़ उल्टी सीधी ना खाएं ताकि इन्फेक्शन ना पकड़े, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं अगर खांसी वगैरह हो रही तो ज़्यादा समय तक चल रही है। और अपने सेल्फ मेडिकेट ना करें, कृपया एंटीबायोटिक अपने आप से नहीं लें, क्योंकि हम देखते हैं कई बार जाके आप केमिस्ट के पास जाते हैं, दो गोली उठा लेते हैं, उसका कोई रोल नहीं है। अगर एंटीबायोटिक दिया जाए तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ हो और पूरे तरीके से जितने दिन का प्रिस्क्राइब है, 3 दिन 7 दिन पूरा डोज कंप्लीट करें ताकि आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस भी ना हो और ड्रग रेजिस्टेंस भी डेवलप ना हो ताकि पूरी कम्युनिटी का उसका उस पर नुकसान हो। मैम एक साथ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं तो कई बार लोग कानों के लिए ईयरबड्स का यूज़ करते हैं और जिससे कई बार कानों की जो आवाज़ है सुनने की क्षमता वो कम हो जाती है, तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? ईयरबड बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे लिखा होता है, अगर आप फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो लिखा है उसमें, डू नॉट पुट इनसाइड द ईयर कैनाल। आपको भी पता है और जो बना रहे हैं उनको भी पता है कि आप हाथ में देंगे तो जरूर कान में डाला जाएगा। कान जो आपका कैनाल होता है वो बहुत नैरो होता है और ईयर का जो बड है वो इतना मोटा होता है कि वो पूरी वैक्स को अंदर धकेल देता है और आपको हर रोज़, हम लोग इन्फेक्शन और ट्रॉमा रोज़ देखते हैं, कई बार कान के पर्दे में छेद भी हो जाता है, तो प्लीज़ कान में कोई भी चीज़ ना डालें, जस्ट यूज़ योर लिटिल फिंगर, छोटी उंगली से जो भी वैक्स बाहर बन के आती है उसको निकाल के साफ करें। इसके अलावा कोई भी तेल, कोई भी ये कई बोलते हैं कोई प्याज का रस, कोई अदरक का रस, कोई भी चीज़, देखिए कान आपका जो है ना वो कुकिंग की मशीन नहीं है, कान में कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं। ईयर इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, जो भी वैक्स बनती है बाहर आ जाती है, आप फिंगर से निकालेंगे तो काफ़ी है। अगर वैक्स बिल्डअप ज़्यादा होता है तो प्लीज़ ईएनटी सर्जन के पास जाएं, वो स्टेराइल इक्विपमेंट से निकालेंगे, विजन के अंडर निकालेंगे ताकि आपको ट्रॉमा भी नहीं होगा, आपको चोट भी नहीं लगेगी और आपके कान सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।